पूछ गए रेडी लाग रही है बैठे सुनसान जगह है फिर जाए भीड़ भाड़ वाला नहीं भीड़ भाड़ भाड़ा वाला इलाका थोड़ो बो भाईओ तो देर लागो पिसा पूछ काळन और बिन इतिवार में भी गाडी में गाली क्या में गाली बेरो कोन पतो कोन मान बो आयो और मेरे का नहीं आज तो जान मेरे का नहीं सारा कर तो जावे तो कई लोग शामिल है अंदर कई लोग शामिल है मैंने बोली कि मैं खुद का खाना चाहूं मैं बिट्टू बुलाऊं बोल ठीक है जा गाड़ी बच्चे गाड़ी थार थोर बताऊं ही थार काले कलर की बताऊं ही थोड़ी दूर ही जब मैं सड़कन पहुंचा ना जना मैं एक छोर मारो पीछे कर रही हूं ये पुलिस अभी तक एक्शन लिया पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया मैं मतलब आज चार दिन हो बड़े चक्कर काट रहे हैं बराबर नहीं कोई एक्शन पुलिस ले रही है राम जी नमस्कार मैं अरुण थे देख रहा हूं जलको झुंझुनू फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू का ग्राम पंचायत इंडाली के अंदर और उरा एक रक्षाबंधन के बाद में गुगो जी को त्यौहार आवा है और बीत दिन इंडाड़ी के अंदर काफी बड़ो एक मेड़ो लागे है और बीत दिन उरे घटना हुआ है कि एक जगह ई गांव की जगह बच्ची है बा आपका ननियाल लिया गई थी उदावास और मेला के लिए बा उदा इंडाड़ी आई रही आपके गांव और उरे से मेला से बा गायब हो जाए है अब अभी परिवार के आया है ये पुलिस कर्मी भी गए हैं और अभी तक कह रहे हैं कि न्याय की कोई उम्मीद जी के बा कौन लाग रही है लेकिन वीडियो थाना शेयर कर देना ताकि यही परिवार को न्याय मिल सके और बच्ची की बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची लगभग 15 साल की उम्र है और बताया जा रहा है कि शायद इनको लेके गए हैं उनको परिवार वालों को खेणो है बाकी इन सब बातचीत करा कि के पूरा मामलो है और क्यों पुलिस के अंदर अभी तक भी आरोपियों जो वो पकड़ कौन पाई है राम राम जी राम राम के नाम है तारो इंदिराज जी के लागो थे बच्ची का बाबो बाबो लागो बताओ कि बच्ची की उम्र लगभग कितनी के ही ये 15 के बस 15 ननियाली रिया करती है हाँ ननियाल रहती है कद से बहुत बढ़िया पड़ी है जमी दस से अच्छा के घटनाक्रम हो गुजरा दिन के घटनाक्रम हो दोनों मानता बेर सुबह पट्टी हो साहब अच्छा रात को मेरे पड़े भी मेरे के पर सुबह मेरे पट्टी बोले भाई गई भाई गई इतना मेरे पट्टी हो साहब पथाणम गया कि थाणम गया कल भी नहीं शाम को भी गया हाँ परसों भी गया ही जा रहा ही लगता है जा रहा देखो नाबालिग बच्ची है तो ऑब्वियसली बात है भी कि की खुद की मर्जी अगर होगा तो भी कौन चलेगी क्योंकि माँ बाप का ही फैसलो जो बनते फैसलो होगा तो पुलिस को क्या खेण अभी तक काफी दिन की बात हो गया 27 तारीख की बात है पुलिस हो रहा है दो लड़का में हो रहा गाँव का 50-60 आदमी बेड़ा हो रहा बाकी मैं बीच में हा जबान में दो लड़का तो वह लिखी अच्छा और वो एक और हो फरार हो देखे जगह बताने शक है हाँ क्यों ले गया मेला के अंदर लगभग कैब जी की बात है कैब जी थे बड़े गया क्यों के बाद में मैं 4 बजे 10 मिनट पहले चल गया बड़ी जब मैं घर आऊँ चल से कितनी की दूरी मेला की तारीख 1.5 किलोमीटर अच्छा ठीक है फिर मैं और ग्राउंड चाले सड़कन थोड़ी दूर ही तो मैं सड़कन पहुंचा ना जना मैं एक छोर मारो पीछे कर रही हूँ बाइक पर हो वो चक्री काट रही हूँ सुबह को अच्छा, बिन जाना मैं हाँ पड़ोस को ही हो अच्छा, ठीक है, फिर जो मारो जोड़ो पड़ा है इन डाली में बीच में जो मैं भी जोड़ा पूछा जना बाद में वह दोनों छोरा हा जो बंटी हमारे गाँव है वह दोनों बड़े बैठे हैं वह मार मैडम में बस इंडा लिए ही जाके मैं इंडा लिए एक छोर दोनों भाई नाक नाका हो रहे हैं कि भी कान ध्यान दे रहा हूँ मैं इंडा लिया कौन मैं नीचे बैठी मंडर ला गई ली तीनों जना ऊपर ढंगा मैंने बोली कि मैं खुद का खाना चाहूँ मैंने बिट्टू बुलाऊ मैं बोली ठीक है जा इतने दो के जहाँ थे मेला के अंदर गया तो दो ही गया है फिर और कोई साथ में भी होता रहे मेरे मौसी को लड़को मेरे छोटी भाणी और मेरे छोटो भाई हो बस और मैं मौसी को लड़को तो बता उम्र कितनी लगभग बेकिन वो मेरा 4 महीना बड़ो है बस सगला बच्चा बचा ही गया कोई बड़ो आदमी साथ में नहीं बे पापा और बाद में मैं बाइक पर चल गया गया तो सभी हाँ पर बाद में मैं बाइक पर चल गया जा रहा अच्छा तुमने तो कि जैसे गाड़न बाद में बताया कोने कि भाई मैं जा रहा हूं तुम्हारा कोई पीछा कर रहे हैं नहीं जी टाइम मैं से कौन करियो मैं सोचे कि पड़ोसिया का पड़ोसिया पर क्या सक रहा बेफालतू जो मैं से कौन करियो बाद में मान गायब हो है बाद में वो जो भी का सागा है बिन लेके गए वो मैं आज तक बिन आंख नहीं देखियो ना वो मन जाने वो आयो और मेरे का नहीं आज तो जा मेरे का नहीं सारा कर तो जावे और मेरे का बा मैं मन सक और बा पुलिस कन में गया हाँ 4-5 दिन होगा मैं चक्री काटता वो कुछ भी कौन कर रही तो कि थारे साथ में बे हाथ तो थाने थे कौन देखियो कि भाई ठीक है साथ में कोई कौन लेके गए के लिए गए है नहीं मैं वो मेरे भाई हो भी के साथ वो पुचका खा रहे हो मैं पुचका खवा दी वो पिसा लिया इतने देर हम बगाए बोग अच्छा तो बाद में मैं की पड़ सकरा मान ला गया कि बा नानी का चल गई जना मैं चुप रही बा दूसरे दिन में पुलिस कार्रवाई करवाई तो जरा पूछ गए रेडी लाग रही है बैठे सुनसान जगह है फिर जाए भीड़ भाड़ वाले इलाकों नहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों थोड़ो मैं बताओ कि बच्ची कद से रिया करती ननियाल मैं तो जमी बच्ची तो बुरका पाले बस मैं तो 6 महीना के लेके गया कौन सी क्लास में पढ़ा करता 11वीं पढ़ती
अच्छा। हाँ। तो थे बता पुचका खा रहा है बड़े से निकल गया तो थे कोई ना बड़े देखा ही कोई घूमता ना कि नहीं कौन देखा मैं तो मारा तो वो घर आयो ना यो हेमंत ये कि मम्मी वो आयो सुबह बुझ की गोया माने जना मानिया को पतो चलो कि भैया क्या के लिए आयो लड़की के लिए आया क्या के लिए आया पाछवी की मम्मी माने मेला मिली बठी जना भाया बोली गुलाब देखे कि मेड़ो मोह देखे जना बोल तेरी छोरी कठे तो भी मैं शक कौन करो मान पतो कौन चल जी टाइम पर मारी बच्ची गुम हो रही बिन इन बिन ढूंढ रहा मैं पर मैं सोची बना नेर गई कई लोग शामिल है अंदर कई लोग शामिल है बड़े से तो जबरदस्ती ले जाना तो मेरे हिसाब से शायद मुमकिन है बुढ़ा फुसला की बुढ़ा फुसला की ले गए बिन ले गए से तो क्योंकि बड़े भीड़ इतनी भीड़ के अंदर ये तो पॉसिबल कोना उसका बस वो भाइयों तो दे लागो पिसा पूछ कालन और बिन तिवार में भी गाडी में गाली क्या में गाली बेरो कोन पतो कोन मान अच्छा उम्र लगभग कितनी की बच्ची की उम्र 15 साल अच्छा क्लास में से बताई थे 11वीं पढ़ा करता हां अच्छा पढ़ाई उदासी करया करता है उदासी करती पढ़ाई कितना बच्चा है तेरा तीन बच्चा है दो बच्ची एक बच्चो अच्छा तो दो दो जगह बच्चा भी दूर ही रहेंगे हां दोनों उरे रहे भाई एक बच्ची बड़े रहती है हां भी मेला के अंदर आया फिर बच्ची ना मेला में कोनी आया मैं आपकी मम्मी की मम्मी गई पहला दिन रखे उन्होंने भी किसा का बच्ची आई अच्छा तुमने कहा कि जहां कोई अगर बुढ़ा फुड़ा ले जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले से अपन की बातचीत की भी है कि चीज हो उसके क्योंकि सीधा डायरेक्ट तो एक ही मिनट में तो कोई ना कोई बुढ़ा घुसता कोई ना ना बिल्कुल आवाज था इसे हो पलियो सोलो सिस्टम उदास मंदिर पर वो सोरो जाया कर तो बढ़िया बच्चे जाया करते बड़े वो गोठ गाड़ी रामल जी को मंदिर में उदास में बड़े वो गोठ गाठी हो बड़े थोरो और बड़े हो जाया कर तो बठे बच्चे जाया करते और हो कड़े कोई बच्चों और इंडाली को है उम्र लगभग कितनी की जगह आरोप लगा रहे वो है कम से कम 28-30 साल को बच्ची तो नाबालिग है वो अभी तक हवा खस गए सोच ज्यादा विकसित भी बनेगी लेकिन 28-30 साल को तो आदमी बिन तो इतना सोचना चाहिए कि भैया अपना गांव की बच्ची तो अपनी भाड़ बेटी हो गया तो हाँ तो कोई शादी कर रहा था तो बिन लेके गए को नहीं वो या तो कोई के भगवान जाने के करे भी कहने कर तो बड़ो आदमी है आठ दिन केस ला गए तो फिर मेरा शादी कर तो लेके जा बच्ची वो लड़को शादीशुदा है फिर कहें अब वो भी कहा तो कैसे वो शादीशुदा नहीं है वो है लवारी से अच्छा वो है थे भी देखे आगे बानी डाली मैं पिला मैं कदे भी लड़ना तो उदास कंदर मैं कौन मिलेगा देवी हूँ दास कंदर अच्छा कॉल डिटेल वगैरह निकले बीम क्या है ये कॉल डिटेल में मैं बच्चे के साथ बात हो रही है कि चार चार दो तो तीन चार चार घंटा भी एक बच्चे को नहीं भी अलावा भी आठ सात बच्चे की और की बात हो रही है ऐसा सब आ रही है मैं कॉल डिटेल मारी है सब आ रही है कॉल डिटेल में एफ आई आर कद करवाई थी मैं कराई 27 सुबह 10 बजे अच्छा पुलिस अभी तक एक्शन लिया पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया मैं मतलब आज चार दिन हुआ बड़े चक्कर काट रहे हैं बराबर लेकिन कोई एक्शन पुलिस ले रही है देखो मेरा मानना है कि अगर बच्ची बालिग है तो भी के बाद में अगर कोई के साथ में जाए तो बच्चे को जो फैसला है वो प्रशासन ने मानना पड़ा लेकिन अगर नाबालिग है तो माँ बाप को जो फैसला माँ बाप के चाहे ही वो ही अंतिम फैसला और माँ बाप अगर वापस चाहे कि भी अगर अगवा करी गई है तो भी ऊपर पुलिस तो फैसला प्रशासन ने भी को ऊपर लेना चाहिए एक्शन मतलब जबकि कोई नहीं गिरफ्तार करे एक दो आदमी लगे बन वापस भी छोड़ दे उनको राख भी कौन सके लेकिन मैंने ये बताओ थे अभी तक भी गाड़ी का नंबर ही नहीं कार्ड के पुलिस के करना और के नहीं करना लगी गाड़ी बच्ची की गाड़ी थार थोड़े बताऊँ ही थार काले कलर की बताऊँ ही भाई गाड़ी में गाड़ी की बताओ गांव का आका गांव का ही बताऊँ ही अच्छा यहाँ की भी मेला में थार चक्कर भी बैठा यहाँ गाँव का बताऊँ ही अगर पड़ोस कोई छोड़ा तो वो के करवा रहे के रेकी कर रहे हो यार वो ही तो कुछ सीसीटीवी वगैरह के अंदर को नहीं गया गाड़ी फिलहाल तक सीसीटीवी कैमरा तो मैं तो चेक कराओ भी कौन करा तो पुलिस करे पुलिस को काम है तो मान तो कराओ कौन और पुलिस वाला तो थाने के बाहर ना निकले उन्हें
मतलब जहां पर ढिलाई चल रही है बाकी हां ढिलाई चल रही है बिल्कुल अपन देख रहे हैं कि परिवारजन को यह खेड़ो है कि मणकी जी की बच्ची अपन बेला फुसला के ले जाया गया है और अभी तक पुलिस प्रशासन जो वो सीसीटीवी चेक कराए और साथ में नहीं अभी तक मणकी जी की कार्रवाई बन से संतुष्ट है। तो मेरी से रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि पुलिस प्रशासन जल्दी से जल्दी ऊपर कार्रवाई करे क्योंकि एक मां की जी की बेटी है लगभग 15 साल की बच्ची है और नाबालिग भी है तो ऑब्वियस बात है कि कुछ भी घटना अपने साथ में घट सका जल्दी से जल्दी ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है और उम्मीद में यह कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रशासन ने जल्दी से जल्दी बच्ची ने आपके घर तक पहुंचावा। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।